इस धरती पर अगर किसी को भगवान का दर्जा दे रखा है तो वो है डॉक्टर। क्यों? ये वो लोग होते हैं जो यमराज से लड़कर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही हत्यारा बन जाए तो आप किस पर यकीन करेंगे? जी हाँ, तस्वीर में खड़े इस शख्स को देख लीजिए, जो पेशे से डॉक्टर तो है लेकिन इसने ऐसा काम कर दिया जिससे इसका पेशा ही बदनाम हो गया, क्योंकि इस डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी का मर्डर कर डाला। हैरानी इस बात को लेकर है कि इसकी पत्नी खुद एक डॉक्टर थी। मामला लखीमपुर खीरी के बहादुर नगर मोहल्ले का है, जहां आरोपी डॉक्टर आशुतोष अवस्थी अपनी पत्नी वंदना और पूरे परिवार के साथ रहता था। अक्सर दोनों पति पत्नियों में विवाद हुआ करता था। वारदात वाले दिन भी एक दूसरे में विवाद हुआ और फिर डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मौत के ही घाट उतार डाला। इसके बाद शातिर डॉक्टर ने अपने पिता की मदद से शव को बक्से में छिपा दिया और फिर घर से करीब 345 किलोमीटर दूर शव को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर डाला। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपियों ने अपने आप को बचाने के लिए वंदना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा डाली, लेकिन पुलिस ने वंदना के पिता की शिकायत पर आरोपियों से पूछताछ की तो फिर पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पति एवं उसके ससुर के द्वारा उसके घर में पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात उन लोगों ने एक बक्से में उसकी डेड बॉडी को ले जाकर पास में ही जो उनका चिकित्सालय है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो ले गए। वहाँ पर उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को शिफ्ट करके गढ़ मुक्तेश्वर ले जाकर वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया। फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एवं उस मृतका के परिवार वालों को बिन बताए ये लोग वापस आए। ऐसे डॉक्टर से तो भगवान ही बचाए। खैर, अब तो ये डॉक्टर और उसके परिवार के लोग कानून के शिकंजे में हैं, जिन्हें अब सख्त से सख्त सजा मिलनी तो पक्की है। रिपोर्ट, JBT Live।